अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे पीछे ये आर्टिकल देखकर आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी कि आज की वीडियो किस आर्टिकल पे है। बाय द वे, आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि पीछे वाली पेंटिंग पूरी दिखाएं। ये पेंटिंग ऑन कैनवस है और ये मेरी लाइफ की जो पहली पेंटिंग ऑन कैनवस थी वो ये थी। खैर, पेंटिंग के कभी किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगी, अभी तो फैब्रिक पेंटिंग की बात हो रही है, बल्कि ये पेंटिंग भी नहीं है, दिस इज़ प्रिंट। पेंटिंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस होता है। लाइक पेंटिंग जो होती है वो उसके ऊपर सरफेस पे पेंट रह जाता है, और जो प्रिंट है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होके एक प्रिंट लाइक शेप निकल आती है। मैं आपको अभी इसकी डिटेल्स बताती हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो कम्प्लीटली इस ईद आर्टिकल की पर है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनाब, ये जो आर्टिकल है ये भी प्रेस होने वाला है, ये हैंड प्रिंटेड है। इसके ऊपर पहले भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना चुकी हूँ जब ये पेंट हो रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये जो फैब्रिक है ये पेपर सिल्क है, ये देखें पेपर सिल्क। और मैं आपको बता रही थी कि ये प्रिंट है, तो ये देखें, ये इसके नीचे भी पेंट उतना ही है जितना इस साइड पे है। तो ये जो पेंट है ना, ये इस फैब्रिक में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है और ये बिल्कुल प्रिंट की तरह बन गया। और ये कुछ मोटिफ इसके इस साइड पे हैं, कुछ इसके इस साइड पे हैं, और कुछ मोटिफ इसके बैक साइड पे हैं, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। मैं आप लोगों को इसकी स्लीव्स भी चेक करती हूँ। ये देखें कितना प्यारा स्लीव्स के ऊपर इसका डिज़ाइन है। तो ये देखें जनाब, ये इसकी स्लीव्स के साथ लुक है। और सबसे स्पेशल चीज़ इस फैब्रिक की मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये इसके साथ है लॉन की, बिल्कुल जो बारीक लॉन होती है, ये लॉन की स्लिप है। और ये स्लिप वाला जो फैब्रिक होता है ना, जो बहुत शदीद गर्मी में भी बेस्ट होता है, तो इसके साथ जो स्लिप दी गई है वो भी लॉन की है, ताकि आप लोग गर्मी ना लगे आप लोगों को। तो इन गर्मियों में पूरी कोशिश यही है कि हम ऐसे आर्टिकल्स बनाएं कि जिनमें आप लोगों को गर्मी ना लगे। और ये बहुत प्यारी चीज़ है, मेरी कल की वीडियो जो है ना वो इन आर्टिकल्स के ऊपर होगी। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी झलकी करा देती हूँ, कल की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। देखें, लॉन की स्लिप है इसके साथ, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत समर फ्रेंडली मॉडर्स्ट ड्रेस है, जिसको लड़कियाँ ज़बाया भी पहन सकती हैं। और तो फैब्रिक की डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, अब मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। और ये जनाब इसकी फ्रंट की लुक, ये देखिए। और ये इसकी बैक साइड की लुक है, इसकी बैक साइड के ऊपर हल्का फुल्का काम है, और उसके दामन पे सेम मोटिफ्स बने हुए हैं। और ये मैचिंग शूज़ हैं जो कि मैं अभी इसके साथ पहन के एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करती हूँ। जी तो जनाब, ये मैंने वेयर कर लिया है, इसको साइड पे कर लूं। ये देखिए, ये मैंने शूज के स्ट्रिप्स भी बंद नहीं किए, बस ऐसे ही इसको पहन लिया। और ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद ये चुनाव, ये मोटिव, कपड़े की ग्रेस चेक करें। और इसके नीचे चूंकि ये लॉन का कपड़ा है, ये देखें, ये लॉन है, और ये इतनी कोई ज़बरदस्त है गर्मी के लिए। और ये इसके नीचे लॉन, चेक दिस आउट। और ये इसके ऊपर है, इसकी फॉल चेक करें, और देखिए कितना सॉफ्ट। ये जो पेंट है ये वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं ड्रेस को, मगर आपने बिल्कुल जहाँ पे पेंट है वहाँ से इसको मलना नहीं है, जैसे ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं ना, या सर्फ को डायरेक्ट डाल के। और ये मशीन वॉश नहीं करना, ये हैंड वॉश होगा।
तो ये बहुत ही परमानेंट पेंट्स हैं, ये वॉश करने से भी डैमेज नहीं होते, उतरते नहीं हैं। बट आप लोगों को केयर ये करनी होती है कि ऐसे कपड़ों को आप लोग मशीन में मत धोया करें और बहुत ज़्यादा रगड़ते नहीं हैं जहाँ पे पेंट हो, अदरवाइज़ दिस इज़ परमानेंट पेंट। और अपने सारे कपड़ों का ऐसे ही ख्याल रखा करें, उसको हाथ से ही धोया करें हमेशा। हैंड वॉश इज़ द बेस्ट फॉर जो भी जितने भी ये फैंसी होते हैं फॉर्मल्स और जितने भी स्कार्फ होते हैं, उन सबको प्लीज़ हैंड वॉश किया करें। जनाब इस तरह के और बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे कलर्स में, लाइक 14 कलर में आप लोगों को हैंड प्रिंटेड अबायास की बहुत ज़बरदस्त रेंज मिलेगी। अगर आप लोगों को ये अबाया चाहिए तो जल्दी से मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपने अगर डिज़ाइन कस्टमाइज भी कराना हो हैंड प्रिंटिंग का तो आप वो भी करा सकते हैं। तो गर्ल्स बन गई ना ईद, चलिए जल्दी से ऑर्डर करें अगर आप लोगों ने भी अपनी ईद बनानी है तो।